विपक्षी पार्टी अब अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने जा रही है। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया है, जिसके बाद भारी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी अब इसरो का बदलकर बिस्रो करा रही है। माना जा रहा है कि इंडिया नाम रखने पर भाजपा ने विपक्ष को न केवल कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि संविधान बदलने की धमकी तक दे डाली। ऐसे में अब विपक्ष भी इंडिया नाम से छुटकारा पाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम बदलने को लेकर क्या कहा है, वीडियो में जानेंगे आगे। अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या एम्स और आरबीआई का भी नाम बदला जाएगा। पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए योजनाएं जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब का भी नाम बदला जाएगा। अगर इन सभी के नाम बदले जाए तो ऐसे में कितने खर्च आएंगे, इसके आंकड़े अब सामने आने लगे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे जानेंगे कि दुनिया के किन देशों ने अपना नाम हाल ही में बदल दिया है। विपक्ष ने ऐसा क्यों बोला है कि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट हाउस छोड़ देना चाहिए। इंडिया वर्सेस भारत पर मायावती का नया बयान आप सभी को हैरान कर देगा। जानकारों का मानना है कि भारत और इंडिया के बीच यह संग्राम अभी थमने वाला नहीं, 2024 तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी और उसके आगे भी इस पर बहस जारी रहेगी। विपक्ष अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर खुद को शेर समझ रहा था, लेकिन तभी बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। जैसे ही खबर बाहर आई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है, वैसे ही राष्ट्रपति मुर्मू घबरा गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अब वे भारत की प्रेसिडेंट हैं या इंडिया की। देश में इतने बड़े बड़े फैसले हो जा रहे हैं, देश का नाम भी बदल दिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति को इसकी भनक तक नहीं। आखिर इसके पीछे कौन है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी को चुनावी का मौसम कहते हैं। विद्वान लोगों ने कहा है कि जब रातों रात सड़क चौराहे और शहर के नाम बदल दिए जाए तो समझ जाना कि चुनाव नजदीक है। सुबह सुबह जब मायावती सोकर उठती हैं तो उन्हें अचानक पता चलता है कि देश का नाम बदल गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे भारत में रहती हैं या इंडिया में। मायावती ने अब तक ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का कोई संकेत दिया था। उनका मानना है कि भाजपा ने भारत पर कब्जा कर लिया है और विपक्षियों ने इंडिया पर। ऐसे में अब उनका क्या होगा। वही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को ब्रिटिश शासन से कोई समस्या है तो उन्हें तुरंत राष्ट्रपति भवन छोड़ देना चाहिए। आज़ादी से पहले यह वायसराय हाउस था, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को त्याग दें। उन्होंने आगे कहा कि सब भारत बना दो, सब खाली करा दो और ज़रूरत पड़े तो उसे गोले से उड़ा दो। इसी बीच अब लोग इतिहास को भी टटोलने लगे। विष्णु पुराण में साफ कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वो भारतवर्ष, उसमें भारत की संतानें बसी हुई। इस इतिहास को सुनकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश बेहद घबरा गए, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे। उन्हें डर है कि कहीं भारत और इंडिया के विवाद में उनके देश पर भी बयानबाजी चालू ना हो जाए। प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्मू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भारत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। इसके साथ ही यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। अब से पहले भी ऐसे कई परिवर्तन इस दुनिया ने देखे। हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की का नाम तुर्की हुआ, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम थाईलैंड बन गया, बर्मा म्यांमार हो गया, ईस्ट जर्मनी 1990 से सिर्फ जर्मनी नाम से जाना गया, फ्रेंच सूडान 1960 में माली हो गया। भारत के संविधान ने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्द मंजूर किए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बस एक पुरानी परंपरा को छोड़ा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर कोई गलती नहीं हुई और ना ही देश का नाम बदला है। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ न्योता मीडिया में सामने आया, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने दलील दी कि सरकार ने इंडिया गठबंधन से डर कर ही भारत नाम को बोलना शुरू किया है। हालांकि सरकार भारत या इंडिया रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन क्या वाकई सरकार घबरा रही है या फिर विपक्ष को ही अब हर जगह इंडिया ही लिखा हुआ चाहिए, बल्कि भारत लिखा देखने पर ही इनको अपने गठबंधन के लिए चुनौती नजर आने लगती है।
फिलहाल एनडीए का जोर भारत बोलने लिखने पर जरूर है, जबकि इंडिया गठबंधन की आशंका देश के नाम से इंडिया हटाकर भारत कर देने को है। ये साफ नहीं है कि देश का नाम वाकई इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत होगा या नहीं, लेकिन नाम पर महाभारत शुरू हो चुकी है। हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है, जैसे कि हमने आपको बताया कि महाराज भरत ने भारत को संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया, वो इसका उच्चारण हा करते थे और इस तरह से सिंधु का उच्चारण हिंदू हो गया। दावा होता है कि यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु का इंडस नाम विदेशियों ने रखा था, इंडस लैटिन में बदलकर इंडिया तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि अगर देश का नाम भारत रखने के लिए ही बात आगे बढ़ी तो क्या कुछ बदलना पड़ेगा, इसमें कितना खर्च आएगा? अगर बात देश का नाम सिर्फ भारत करने तक पहुंची तो क्या नोट पर लिखे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बदला जाएगा? क्या रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखे हुए नए नोट छपेंगे? क्या देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का नाम भी बदला जाएगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड फिट इंडिया, और इनका नाम बदलकर खेलो भारत, स्टैंड अप भारत, डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, स्किल भारत और फिट भारत होगा? अभी चंद्रयान और सूर्ययान भारत ने भेजा है, इसरो का नाम भी क्या बदला जाएगा, जिसे अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, क्या नाम बदलकर फिर भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा? तो क्या तमाम सरकारी संस्थाओं के नाम भी बदले जाएंगे? देश के तमाम शहरों में जिन एम्स अस्पतालों को खोलकर सरकार पीठ थपथपाती, तो क्या उनके नाम में लिखा इंडिया भी हटेगा और इसे ऑल भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहा जाएगा? क्या सारे IIT और IIM का नाम भी बदला जाएगा? ऐसा तो भारत की जनता का पासपोर्ट भी बदलना होगा, वहां भी भारत लिखना होगा। ये सवाल सिर्फ जनता के मन में ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले भी पूछ रहे हैं, नाम बदलने में कितना खर्च आएगा? अब सवाल यह उठता है कि अगर वाकई नाम बदलने लग गए तो कितना खर्च लगेगा? इसका कोई पुख्ता हिसाब तो अब तक नहीं सामने आया है, लेकिन जो रिसर्च बताती है उसे ही आधार माने तो दावा होता है कि एक शहर का ही नाम बदलने में औसत 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब सवाल है कि इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम हुआ तो कितना खर्च देश की जनता पर आया? दक्षिण अफ्रीका के एक प्रॉपर्टी लॉयर ने देश का नाम बदलने के खर्च का फॉर्मूला निकाला। उनके फॉर्मूले के मुताबिक इंडिया हटाकर भारत नाम करने में औसत 14,304 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंडिया नाम को लेकर विवाद तब से शुरू हुआ जब विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। गठबंधन की पहली बैठक बेंगलुरु में 18 जुलाई को ही थी। इसमें अलायंस का नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया था। इसके बाद भारत विपक्ष पर हमलावर हो गई। पीएम मोदी ने इंडिया की जगह इसे घमंडिया गठबंधन का नाम दिया। वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी को इंडिया नाम लेने से इतनी दिक्कत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांगें पहले भी उठ चुकी। 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन में है वो कहिए, अगर आपका मन भारत कहने का है तो वो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। 2020 में चीफ जस्टिस ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें नीचे बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।